नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आपका टेक जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा इस चेयर को लेके। ये चेयर मैं ऑलमोस्ट 10 महीने से यूज़ कर रहा हूं। इस चेयर का अनबॉक्सिंग का वीडियो भी मैंने करके इस यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो बाद में चेक कर सकते हो। मैंने उस वीडियोज़ में हर एक छोटी चीज़ को कवर किया था, फिर भी आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आए थे उस चेयर को लेके। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चेयर के बारे में और एक वीडियो इन डिटेल किया जाए, उन सवालों के जवाब को लेके अपने इस 10 महीने के एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा इस चेयर के साथ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, और अगर आप इस चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को लेके। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि आप इस चेयर को लेके अभी खुश हो या अभी रिग्रेट फील कर रहे हो। तो मैं कहूँगा मैं काफ़ी खुश हूँ इस चेयर को लेके। अब 10 महीने हो गए इस चेयर को यूज़ करते करते, और अब तक किसी भी बात या फीचर के बारे में मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ है इस चेयर को लेके। तो हाँ, अगर मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करो तो मैं इस चेयर से बहुत ही खुश हूँ, और मैं रिकमेंड करूँगा आप भी इस चेयर को कंसिडर कर सकते हो बाय करने के लिए। फिर कुछ ने पूछा कि इस चेयर को कितने घंटे के लिए यूज़ करते हो, या कितने घंटे के यूज़ के लिए ये चेयर कंफर्टेबल है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं अपने ऑफिस काम के लिए इस चेयर को ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे के लिए यूज़ करता हूँ। हाँ, लेकिन बीच में एक आध बार मैं ब्रेक ले लेता हूँ 30-30 मिनट का। तो अगर आप भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए एक कंफर्टेबल चेयर देख रहे हो जो बहुत ही एर्गोनॉमिक हो, तो मैं इस चेयर को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बहुत से सवाल इस चेयर के लंबर सपोर्ट को लेके भी थे। तो इस चेयर में आपको जो लंबर सपोर्ट देखने मिलता है, वो आप मल्टी डायरेक्शन में एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ आपको एक नॉब दिया गया है जिसकी मदद से आप इस लंबर सपोर्ट को आगे या पीछे कर सकते हो, या ऐसे मैन्युअली ऊपर या नीचे कर सकते हो। लंबर सपोर्ट एक बहुत ही अच्छा फीचर है, ये आपके बैक को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे आप इस चेयर को आसानी से लॉन्ग वर्किंग आवर्स बिना किसी बैक पेन के यूज़ कर सकते हो। तो लंबर सपोर्ट को लेकर भी मैं इस चेयर से बहुत ही खुश हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था, मैं तो 10 से 12 घंटे तक तो काम करता हूँ इस चेयर पे बैठ के, और इस लंबर सपोर्ट होने के कारण मुझे बैक पेन भी अभी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। मैं इस चेयर को काफ़ी रफ यूज़ करता हूँ। इसका बेस थिक मेटल शीट होने के कारण ये ब्रेक होने के चांसेस भी ख़त्म ही हैं। बाकी इसके कस्टर व्हील भी काफ़ी स्मूथली रोल होते हैं, बट ये ऑटो रोल बिल्कुल भी नहीं होते। और तो और, आपको इस चेयर के साथ 3 साल का वारंटी मिल जाता है, तो और क्या चाहिए। फिर किसी ने पूछा कि नेक सपोर्ट कैसा है इस चेयर का। तो इस चेयर में आपको जो नेक सपोर्ट मिलता है वो भी काफ़ी एडजस्टेबल है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो इस चेयर के हर एक एडजस्टेबल फीचर्स के बारे में मैंने इन डिटेल में एक वीडियो में पोस्ट किया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। तो कंटिन्यू करते हैं नेक सपोर्ट के बारे में। तो जब भी आप इस चेयर को यूज़ करते हो तो नॉर्मली ये नेक सपोर्ट यूज़ नहीं होता, लेकिन हाँ, आप जब भी रिलैक्स मोड पे हो तो ये नेक सपोर्ट आपको बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब भी आप चेयर लेने की सोच रहे हो तो इस पॉइंट को भी ज़रूर कंसिडर कर लेना। कुछ लोगों ने मुझे इस चेयर के एर्गोनॉमिक्स के बारे में भी पूछा कि ये एर्गोनॉमिकली कैसा है चेयर। तो ये चेयर काफ़ी एडजस्टेबल है, आप इस चेयर के नेक सपोर्ट को, लंबर सपोर्ट को, हैंड रेस्ट को, हाइट टिल्ट को एडजस्ट कर सकते हो। इन एडजस्टमेंट के बारे में मैंने इन डिटेल में एक वीडियो किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप इस चेयर को कंसिडर कर रहे हो तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, वो आपकी बहुत मदद करेगा। तो एर्गोनॉमिक्स के मामले में मैं इस चेयर से बहुत ही खुश हूँ। और फिर कुछ लोगों ने पूछा कि इस चेयर में आपको क्या डिसएडवांटेजेस या कॉन्स नज़र आते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस चेयर से बहुत ही खुश हूँ, मुझे इस चेयर के साथ ऐसे कोई कंप्लेंट्स नहीं हैं। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस चेयर को ज़रूर परचेस कर सकते हो, अगर आप एक लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए एक चेयर देख रहे हो जो काफ़ी एडजस्टेबल और एर्गोनॉमिक हो। तो अगर आप एक ऐसी चेयर देख रहे हो जो अफोर्डेबल, एर्गोनॉमिक हो लॉन्ग वर्किंग आवर्स के लिए, तो आप इस चेयर को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। वैसे मैंने इस चेयर को परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस चेयर के लिंक के साथ साथ मैंने और भी अफोर्डेबल या एर्गोनॉमिक चेयर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहो तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो।
तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।